Assalamualaikum, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज्यादा खूबसूरत कपड़ों से भरी हुई है, ठीक है। तो अगर आप भी कपड़े बाय करना चाहते हैं और इनकी स्टिचिंग करवाना चाहते हैं तो भाई आप लोगों ने फिर टाइम थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये मारिया बी के जो हिट कोड्स है ना, ये फौरन से पहले आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। और वैसे भी ये न्यू लॉन्च पे खत्म हो गए थे कपड़े। अब मैं जो डेली बेसिस पे कपड़े खरीद रही हूँ, तकरीबन आपके साथ ही मैंने काफी टाइम सूट शेयर कर दिया हुआ है, काफी लोगों ने स्टिच करवाया। तो ये वेबसाइट पर ना डेली रीस्टॉक होता है, मारिया बी की वेबसाइट पर, ओरिजिनल वेबसाइट पर, वहां से मैं बाय कर लेती हूँ। जब आप वीडियो देखते हैं फिर कोई और ऑर्डर कर देता है, मैं फिर बाय कर लेती हूँ, ठीक है। वरना तो ये वाले आर्ट, और वैसे इसमें इतने ज्यादा पीसेस भी नहीं होते कि मैं 10-12 इकट्ठे बाय कर लूँ, ठीक है। तो कोई एक दो पीसेस ही रीस्टॉक में आते हैं, वो फौरन से पहले बाय करने होते हैं। बात करने का मकसद ये है कि पेमेंट मुझे एडवांस में चाहिए, ठीक है। पैसे आप भेजोगे तो आपकी सिलाई भी इस तरह से बहुत ही अच्छी होगी। कपड़े मैं खरीदूंगी फिर इनको मैं स्टिच करवाऊंगी। ये वाला सूट जो है वायरल सूट है। इसके बाद एक और सूट मैं दिखाऊंगी मारिया बी का, वो भी वायरल सूट है। आप लोगों ने बताना है कैश ग्रुप ब्लॉग्स पर आपको जो स्टिचिंग में शो करवाती हूँ वो आपको कैसी लगती है। आज की वीडियो में देख लेना, बिल्कुल ध्यान से नीटनेस का लेवल चेक कर लेना। इसके बाद कपड़े सिलाई करवाने हैं तो आपने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये पूरा थ्री पीस है, इंतहाई अमेजिंग। ये देखें इसकी जरा लुक आप चेक करें, इसकी नेक लाइन जरा देखें, इसके ऊपर ना पूरे कपड़े के ऊपर कढ़ाई है, इसके साथ कोई पैच नहीं था। और ये देखें इसका दुपट्टा कितना अमेजिंग रेडी हुआ है। अब ये सब कुछ मैं आपको बड़ी डिटेल से दिखाने वाली हूँ, तो चलिए सबसे पहले इसके शर्ट को ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, मैंने आपको बता रही थी कि इसके साथ कोई एक्स्ट्रा पैच नहीं था, क्योंकि इसका पूरा फैब्रिक कढ़ाई से भरा हुआ है। सबसे पहले नंबर पर तो कपड़ा जो है खुद डिजाइनिंग वाला है, सेल्फ डिजाइनिंग के साथ ये फैब्रिक है। मारिया बी की ये बिल्कुल लेटेस्ट कलेक्शन है, न्यू एम प्रिंट्स के अंदर से ये वाला सूट जो है वो मैंने बाय किया है। इसके बाद अभी तक कोई न्यू लॉन्चिंग नहीं हुई। छोटी ईद कलेक्शन आई थी, फिर बड़ी ईद कलेक्शन आई थी, ठीक है। उसके बाद तक अभी तक कोई वॉल्यूम नहीं आया। ये चेक करें तो इसका दामन कितना हसीन बना है। ये वाला पैच सिर्फ और सिर्फ मारिया बी ने साथ दिया था, ये वाला जिसके साथ अटैच करा है। बाकी ये जितनी भी लेसेस आपको नजर आ रही हैं, जो भी डिजाइनिंग इसके ऊपर है, वो सब कुछ खुद से ही बाय करना पड़ता है। अच्छा, ये हिट कोड है, आपने देख लिया है। अभी मैं आपको इसकी नेकलाइन चेक करवा देती हूँ। ये देखें इसका गला कितना नीट और कितना प्यारा बना हुआ है। साथ में इसके ऊपर खूबसूरत बटन जो है, ये कस्टमर की डिमांड थी, उनकी रिक्वेस्ट थी। सो दैट्स व्हाई, आपको पता है मैं नहीं लगवाती, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि मुझे प्लीज ये लगवा दें। तो ये मैंने बड़ी अच्छे खूबसूरत किस्म के जो है ना अरेंज करवाए बटन्स, ताकि खूबसूरत लुक आए, ठीक है। मेटल के बटन्स होते हैं ये, जरकन इसके अंदर, वो जो कुंदन के बटन होते हैं वो होते हैं, ये वाले अच्छे वाले, एक्सपेंसिव वाले। अगर आप भी लगवाना चाहें तो आप मुझे बता सकते हैं कि भाई हमारे मारिया बी के लग्जरी कपड़ों पे आपने ये बटन्स लगवाने, क्योंकि नॉर्मली मेरे कस्टमर्स होते हैं वो तो कहते होते हैं लेसेस भी ना लगवाएं, हमें सिर्फ सिंपल कपड़े स्टिच करवा के दें, ठीक है। लेकिन आपने खुद मुझे बता देना। ये देखें लेसेस लगी हैं, मिल्की लेसेस हैं जी, डाई करवा के लगवाई हैं इसके ऊपर, सेम कलर डाई करवा, आपको पता ये रंग मिलता भी नहीं है। बाकी ये वाली कढ़ाई आपने देख लेनी है, ये पूरे कपड़े के ऊपर है। और ये मारिया बी का सूट है। बहुत से लोग पूछ रहे होते हैं कि भाई हमें कपड़े चाहिए, तो भाई सिर्फ पूछें नहीं, अगर चाहिए तो पेमेंट भी सेंड करें। अच्छा, गला आपने देख लिया है, अब इसका मैं दामन आपको शो करवा देती हूँ। दामन इस तरह से बना हुआ है, साइज आपने खुद ही बताना है। ये आई थिंक सो मीडियम साइज का कपड़े हैं जो मेरी कस्टमर है, बाकी इससे पहले मैंने लार्ज एक्सल में स्टिच करवाए थे, ये तकरीबन मीडियम टू लार्ज ही है ये वाला आर्टिकल, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले ये जो मारिया बी ने लेसेस प्रोवाइड की हैं, सेम उसी रंग की डाई करवाई है। बाकी ये फैब्रिक लगा कर ना इसके ऊपर ये पिंटेक्स की डिजाइनिंग करवाई है। ये देखें इसके ऊपर, जिस तरह आप ऑर्गेंजा के ऊपर ये पैच लगाते हैं ना, तो मेरी कस्टमर ने कहा कि मुझे ऑर्गेंजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो आपने ऑर्गेंजा यूज नहीं करना, उनको पसंद नहीं है। और इसलिए मैंने सेम फैब्रिक जो था उसी के साथ इसकी पिंटेक्स की डिजाइनिंग करवाई है। साथ में ये वाली लेसेस बाय की हैं खुद, इसको भी डाई करवाया। मिल्की लेसेस हैं, डाइबल होती हैं, डाई हो जाती हैं किसी भी रंग के अंदर, ठीक है। ये मैंने डाई करवाई है, साथ में पलटा यूज किया डिफरेंट सा। ये देखें कितना ये अमेजिंग लग रहा है, कितना हसीन लग रहा है, नीटनेस आपने चेक कर लेनी है। ये देख लें सही हो गया, जो साइड स्लिट्स हैं वहां उसकी डिजाइन भी आपको सामने शो करवा रही हूँ। पलटा लगा हुआ, साथ में लेसेस वगैरह लगी हुई, इंतहाई अमेजिंग, इंतहाई खूबसूरत। और बैक इसकी मैं शो कराती हूँ, बैक पे भी सेम लेसेस लगवाई हैं इस तरह से, चाक जो है वो दोनों तरफ लेसेस आपको नजर आ रही होंगी चाक पे। अच्छा, बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, अभी तो बाकी है भाई, बहुत कुछ देखना बाकी है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको इस तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो है वो डेली बेसिस पर देखने को मिलते रहे। अच्छा, जो बारी आती है बाजुओं की, तो बाजुओं के लिए ना कोई भी एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं थी, तो जिन कपड़ों के साथ आपको कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं मिल रही होती तो आपने खुद अपना माइंड थोड़ा सा यूज कर लेना होता है। ये देखें डबल डबल लेसेस में ऐड करवाई हैं, जो मैंने चाक पे लगाई थी, जो गले पे लगाई थी वैसी, और जो मैंने दामन पे लगाई है वैसी। तो ये डबल डबल लेसेस के साथ पिंटेक्स इसके सेंटर में, और साथ में ये वाला पलटा, तो ये इसके लुक को ना खूबसूरत कर रहा है।
अच्छा जी, अभी तो आपने देखना है इसका इंतहाई हसीन वाला दुपट्टा, वो भी दिखाती हूँ, बट इससे पहले ट्राउजर्स आपके साथ शेयर कर दूँ। इसका जो बॉटम है वो भी, क्योंकि शर्ट के दामन पे हमने विंटेक्स वगैरह ऐड करवाई थी, तो उससे रेलिवेंट जो बॉटम है वो रेडी हो गया है। ये देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आपने डिजाइनिंग करवानी है करवाई, नहीं करवानी ना। वैसे इन्होंने बोला था कि मेरे बिल्कुल स्ट्रेट प्लेन ट्राउजर्स होने चाहिए, लेकिन फिर भी सूट को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए अगर आपसे अच्छी सिलाई ली जाती है तो अच्छा काम भी करवा के दिया जाता है। ठीक है, सूट को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए ना ये ऐड हो गए ट्राउजर्स पे, तो जिसकी वजह से और भी लग्जरी हो गया, सूट और भी एक्सपेंसिव हो गया है। चलें जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका दुपट्टा। ये इनका पहला ऑर्डर है, ये जो मेरी कस्टमर है ना, माशाल्लाह बहुत अच्छी कस्टमर है, इनका फर्स्ट ऑर्डर है। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट भी ऑर्डर करेंगी, और मेरे जितने भी कस्टमर्स होते हैं, जो भी क्लाइंट्स होते हैं, वो एक बार आते हैं तो फिर बार बार आते हैं, क्योंकि उनको अच्छा काम जो है वो करके दिया जाता है। ये देखें, इसमें ना आपने दुपट्टे की डिजाइन चेक कर लेनी है। प्योर का दुपट्टा है, इसका प्रिंट भी बहुत हसीन है। अच्छा, इसका सेकंड कलर भी खरीदो भाई, इसका सेकंड कलर इतना प्यारा है ना, ऑफ वाइट सा कलर है सेकंड, वो भी जरूर खरीदना। वो भी मैं आपको इस तरह अच्छा ही स्टिच करवा के दूंगी। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेन चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड की हुई है स्टोर विजिट की, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं, वरना मैं बाय कर लूंगी तो फिर आप व्लॉग देखकर वहां से शॉपिंग कर लेना। ये देखिए, इसमें पलटा जो लगवाया हुआ है जैसा शर्ट पे था वैसा ही है, और ये इंतहाई अमेजिंग वाली लेस है। ये इतनी अच्छी लगती है ना ये वाली लेसेस, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी आती हैं बड़ी लेसेस। ठीक है, छोटे लेसेस का रेट और होता है, जो बड़ी लेसेस होती हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। जो लोग डेली यूज़ करते हैं ना, मतलब स्टिचिंग से बिलोंग करते हैं, उनको तो आइडिया होगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली आपको घर बैठ कर अच्छे अच्छे ब्लॉग्स वगैरह जो है ना वो मिलते रहे। चलो, लेसेस का डिजाइन आपने चेक कर लेना, कितनी जबरदस्त, कितनी खूबसूरत लाइट सी लेसेस हैं। बाकी दुपट्टे का प्रिंट भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अभी एक और सूट मैंने दिखाना है, तो आपने कहीं भी नहीं जाना। ये चारों सूट्स मेरी कस्टमर के हैं, दो मैंने कल दिखाए थे, दो मैंने आज दिखाए हैं, तो अब इनका पार्सल जा रहा है। ये आई थिंक सो यूके से बिलोंग करती है, बट पाकिस्तान में डिलीवर करवाया है इन्होंने पार्सल। आप भी ऐसे कर सकते हैं, अगर आपका कोई मतलब बाहर ले जाने वाला है पार्सल, तो आप पाकिस्तान में डिलीवर करवा लें, वरना फिर आप मेरे पास ही पड़ा रहने दें, जब कोई बाहर से आएगा तब ले जाएगा, या फिर अगर आपको ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप बाहर भी शिपिंग करवा सकते हैं। चलें जी, आई थिंक सो कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसकी ओवरऑल लुक भी मैं आपको शो करवाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ एक और सूट, बाद में दोनों सूटों को ना इकट्ठा ही मैं शो करवा दूंगी। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए अगर आपने सेम इस तरह की डिजाइनिंग करवानी है। ठीक है, क्योंकि हर बार जो मैं डिजाइनिंग करवाती हूँ डिफरेंट होती है, कभी कुछ डिजाइनिंग करवाती हूँ मैं, कभी कुछ डिजाइनिंग करवाती हूँ, वो आपने फिर देख लेनी है कि आपने कौन सी डिजाइनिंग करवानी है। जी तो व्यूअर्स, ये रही इस आर्टिकल की कंप्लीट लुक, मुकम्मल थ्री पीस। देखें कि आप, ये कितना अमेजिंग लग रहा है। यकीन आपको भी अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग गया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें, और अच्छा सा प्यारा सा कॉमेंट करके बताएं कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा है। मज़ीद भी आपके साथ में अच्छे अच्छे व्लॉग शेयर करूंगी, अच्छी अच्छी शॉपिंग और अच्छे अच्छे ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़। ये देखें खूबसूरती, आप चेक करें, अमेजिंग हसीन। ठीक है, और कपड़ा मैं दिखा दूँ, मुझे देखें कपड़े के अंदर डिज़ाइनिंग है, साथ में इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी है, और इतना प्यारा ये सूट है ना मारिया बी का, और इसके दोनों रंग बहुत प्यारे हैं, मैं बार बार आपको बताई जा रही हूँ। सेकंड कलर भी इसका बहुत हसीन है, आपने वो भी ख़रीद लेना है। ऑफ वाइट सा इसका कलर है सेकंड वाला, ठीक है, और ये भी बहुत प्यारा है। ये तो दो तीन बार स्टिच हो गया है ना, वो अभी मैंने स्टिच नहीं करवाया एक बार भी, तो वो भी आपने देख लेना है। अच्छा, ऐसा है कि ये वाला सूट आपने देख लिया ना, तो अब मैं आपको ना जो इनका दूसरा सूट है, दूसरा और आखिरी सूट, टोटल चार सूट्स हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके फौरन बाद अपलोड करने वाली हूँ, तो आपने वो भी ज़रूर देखनी है, आपने उसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, बहुत प्यारा सूट बना है वो वाला। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत से ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।